दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी की इकलौती एक ऐसी जगह है जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। इसी वजह से आज तक ना तो कोई मनुष्य इस पर्वत पर चढ़ पाया है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर इस चोटी पर पहुंच पाया है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास साइंटिस्ट ने कई बार अजीब अजीब सी घटनाएं होती हुई भी देखी है, जैसे कि कैलाश पर्वत के ऊपर चमक, डमरू और ओम की आवाज़। दोस्तों, 2015 में नासा के साइंटिस्ट ने गूगल अर्थ जैसी एडवांस सैटेलाइट के जरिए कैलाश मानसरोवर पर दोबारा से रिसर्च की ताकि वो कैलाश से जुड़े इन रहस्य के बारे में पता लगा सके। और गूगल अर्थ सैटेलाइट से ली गई इमेजेस में जो सच्चाई सामने आई वो वाकई में हैरान करने वाली थी, जिसने नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट के होश ही उड़ा दिए। तो आखिर क्या था उन तस्वीरों में जिससे सभी हैरान रह गए, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। इसके अलावा शास्त्रों में यहाँ कुबेर की नगरी होने की बात भी की गई है। कैलाश पर्वत वो जगह है जहाँ से गंगा नदी निकलती है और यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। आधुनिक रिसर्च ये भी बताता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र की तरह काम करता है, जहां एक ओर उत्तरी ध्रुव और एक ओर दक्षिण ध्रुव के बीच में कैलाश पर्वत मौजूद है, जहां कैलाश के चारों ओर छोटे छोटे पिरामिड जैसे पर्वत मौजूद हैं, जिनके बीचों बीच कैलाश पर्वत खड़ा है, जिसकी चोटी इन सभी में सबसे ऊंची है। 1962 से पहले पहले कैलाश पर्वत भारत सरकार और भारतीय सेना के अंडर था, लेकिन आज़ादी के बाद चाइना के थ्रू 1962 में धोखे से अटैक किया गया, जिसमें किए गए हमले के कारण चाइना ने भारतीय सीमा में मौजूद कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत की कई श्रृंखलाओं को अपने कब्जे में कर लिया। कई साइंटिस्ट का मानना था कि कैलाश पर्वत में संसाधन मौजूद हो सकते हैं, इसलिए चाइना ने भी इस पर्वत पर चढ़ने और यहाँ पर रिसोर्सेज की खोज करने की कोशिश की, लेकिन चाइना की ये सभी कोशिशें नाकाम ही रहीं। साइंटिस्ट ने समय समय पर यहाँ पर चढ़ने की कोशिश की और अजीब अजीब से सभी के अनुभव रहे। एक टीम के वरिष्ठ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया कि जब हम कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ रहे थे, तब जो आसमान पूरी तरीके से साफ था वहां अचानक तेजी से बर्फबारी होने लगी और बर्फ ने कैलाश पर्वत की चोटी तक जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो हमें कोई ऊपर जाने से रोक रहा हो। ऐसे ही रशिया के कई ऐसे रिसर्चर्स ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो चढ़ नहीं पाए। कई ऐसे रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि कैलाश पर्वत इकलौता ऐसा पर्वत है जिस पर वो चढ़ नहीं पाए। वहां मानो कोई दूर से कह रहा हो कि यहां से दूर चले जाओ। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश में अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 2015 में नासा ने कई सैटेलाइट माउंट कैलाश की ओर मोड़ दिए, जिसके बाद नासा ने कैलाश पर्वत की चोटियों की कई तस्वीरें ली जो सच में चौंकाने वाली थी। कैलाश पर्वत की इन तस्वीरों में परछाई देखने को मिलती है, जिसमें लगता है मानो कोई इसमें ध्यान मुद्रा में बैठा हो, जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कह रहे हैं। कई लोग यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी तस्वीरें नासा के थ्रू जारी की गई हैं, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। बहुत से लोग भगवान के होने का सबूत मांगते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। ये सभी आकृति भगवान शिव की तरह लगती है। पर्वत की चोटी पर इस तरह की आकृति के होने का एक्सप्लेनेशन अभी तक नासा भी नहीं दे पाया है, इसलिए जब नासा ने इन तस्वीरों को पब्लिश किया था तो तुरंत दुनिया भर में ये तस्वीरें वायरल हो गई थी। कैलाश पर्वत में लगातार ओम की आवाज सुनाई देती है और लगातार डमरू की धीमी सी आवाज भी सुनाई देती है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि बर्फ की चादरों के पिघलने की वजह से ऐसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन भगवान शिव के भक्तों का तो यही कहना है कि ये आवाज स्वयं भगवान शिव की कृपा से ही आ रही है। कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग तरह की लाइट भी दिखती है। नासा के साइंटिस्ट ने इसमें भी यही कहा है कि यहाँ आसपास के चुंबकीय क्षेत्रों में बदलाव होने से ये लाइट आती है। दोस्तों, नासा अपने दावों को आज तक साबित नहीं कर पाया है, ये सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर ही कहा जाता है। असल मायने में कैलाश पर्वत की सच्चाई वही लगती है जो वेद और शास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, इस बारे में अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें, साथ ही साथ हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।